वाराणसी तहसील कार्यालय पहुंचकर विधायक विवेक पटेल ने औचक निरीक्षण किया, जहां विवेक विक्की पटेल अपने अंदाज में कहा कि जनता को परेशान करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को विधानसभा क्षेत्र छोड़ देना चाहिए, नहीं तो सही काम करें। तहसील कार्यालय वाराणसी में भराशाही, तानाशाही और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेवजह परेशान करने की शिकायतें लगातार मिलने की बात कही जा रही है। वाराणसी खैलांजी क्षेत्र के विधायक विवेक विक्की पटेल वाराणसी तहसील कार्यालय पहुंचे, औचक निरीक्षण किया। तहसील कार्यालय पहुंचते ही विधायक विवेक विक्की पटेल ने कहा, काम करवाने आए लोगों से पहले चर्चा की, इसके बाद कार्य कर रहे विभागीय अधिकारियों से काम में हो रही परेशानियों के बारे में पूछा, कि जिसके बाद वे SDM राजीव रंजन पांडे के कक्ष में पहुंचे और उनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इसके बाद उन्होंने कर्मचारियों को बुलवाकर जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि मुझे लगातार ग्रामीणों द्वारा शिकायतें मिल रही हैं, आपके कार्यालय में नागरिकों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, जनता का कोई भी काम बिना चढ़ावे के नहीं हो रहा, मुझे अब इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी समझा दीजिए, यदि आगे ऐसी शिकायत मिलती है तो आप लोग समझ लीजिए, मैं लोगों को तकलीफ पहुँचाने वाले किसी भी कर्मचारी को बख्शूंगा नहीं। विधायक विवेक विक्की पटेल के साथ SDM कार्यालय पहुंचे ग्रामीण क्षेत्र के किसानों ने विधायक पटेल को बताया कि जब भी किसी काम के लिए बाबू के पास जाओ तो बिना रुपए लिए किसी का काम नहीं करते। इसके बाद बाबू को SDM राजीव रंजन पांडे ने उन्हें अपने कक्ष में विधायक विवेक पटेल के सामने बुलवाकर उन्हें पहले जमकर फटकार लगाई और आगामी समय में ऐसी किसी भी प्रकार की शिकायतें मिलने पर अंतिम वार्निंग देते हुए आगामी कार्रवाई करने की बात कही। विधायक पटेल ने SDM राजीव रंजन पांडे को बताया कि हमारे क्षेत्र में लगातार कुछ दबंगों द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है, ग्रामीणों द्वारा लगातार शिकायतें करने के बाद भी शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। विधायक पटेल ने कहा कि मैं भी नगर पालिका का 5 वर्ष अध्यक्ष रहा हूँ, मेरे कार्यकाल में कभी किसी को कोई परेशानी नहीं हुई थी। कई दिन से ग्रामीण जन आ रहे थे, छोटे छोटे कामों को लेकर तहसील कार्यालय में भटक रहे थे, वो तो उनके साथ कल मैं एडिटिंग कार्यालय गया था। मेरी इच्छा थी कि वहाँ तहसीलदार की व्यवस्था सुधरे, पेंडिंग से ना रहे, छोटे गाँव लोगों को भटकना ना पड़े। कुछ लोग आए थे, नहरी काम थे, कुछ अतिक्रमण के काम थे, कुछ फौजी पास का था, कुछ डिजिटल साइन के थे, तो काम गए, एजेंट्स मिले, तहसीलदार नागरिक मिले और उन्होंने कहा कि व्यवस्था सुधारें और कोई पेंडेंसी ना रहे, सब सॉर्ट आउट करें, छोटे गाँव को भटकना पड़े, कोई भी काम जो आते हैं समय पर पूर्ण हो, अच्छा माहौल रहे। मेरे शुरू से इच्छा रही है चुनाव जीतने के बाद से कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग शासकीय कार्य में भटके ना, उनके काम तुरंत हो, और ये हम आदेश देकर करके आए हैं तुम साहब को, पूरे विभाग को, लोगों को समय में काम हो, लोग परेशान ना हो। भैया आप SDM साहब के साथ भी बैठे थे, क्या चर्चा हुई आपकी? यही सब की जहाँ कुछ अतिक्रमण हो गए थे जब गाँव में, वहाँ तत्काल कार्रवाई करें, क्यों डिस्पोजल करें, पेंडेंसी ना रहे, तुरंत निर्णय करें, पुरानी फाइलों को सॉर्ट आउट करें, लोग परेशान ना हो। फौती पास का मामला है, किसी के पिताजी मर गए, बच्चों ना मानेंगे ना, समय में करें उसको। भैया कुछ लेन देन को भी लेकर कुछ कर्मचारियों को शिकायत किया मौके पर बुलाए थे, सबको खड़ा किया गया, कुछ अधिकारी को खड़ा किया गया, कुछ सबॉर्डिनेट थे SDM साहब के जो बैठते हैं जैसेदार के अंदर बैठते हैं, उनको बुलाया गया, चूंकि शिकायत थी उनके बारे में कहा गया कि उनको सामने खड़ा किया कि दोबारा शिकायत नहीं आनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बालाघाट।